नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अजब गजब फैक्ट्स में जानेंगे कुछ अनोखे और अनसुने फैक्ट्स। तो आज हम जानेंगे भारत के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जिनका नाम इतिहास में गुम है और जिनको शायद कोई भी नहीं जानता। हमारे ख्यात नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब है या लोग इन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आज हम ऐसे ही गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मतंगिनी हाजरा। मतंगिनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थी और पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अपनी प्राण का बलिदान दे दिया देश के लिए। नंबर 2, बेगम हजरत महल। अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विरोध की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाला गया तो उन्होंने अवध का शासन संभाल लिया और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से छीन भी लिया था। लेकिन विद्रोह के कुचले जाने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा जहाँ उनका देहांत हुआ था। नंबर 3, सेनापति बपट। सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान भी मिला था। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी करवा दी थी। वो एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकते थे। नंबर 4, अरुण आसाफ अली। अरुण आसाफ अली के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे या सुना होगा। आपको बता दें कि जब वो 33 साल की थी तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। नंबर 5, पोटी श्री रमलू। पोटी श्री रमलू महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और भक्त थे। जब गांधी जी के देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो कहा था, अगर मेरे पास श्री रमलू जैसे 11 और समर्थक आ जाए तो मैं एक वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूँगा। नंबर 6, भिकाजी कांबा। देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सारी सड़कें और भवन बने हुए हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो कौन थे और उन्होंने काम क्या किया। कांबा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और वो भारत जैसे देश में लैंगिक समानता की पक्षधारा एक नेता भी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनवाने में खर्च कर दिया था। साल 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। नंबर 7, तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव बिहार के सिवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया था। उन्हें गोली मार दी गई थी लेकिन वो अपने घावों पर पट्टी बांधकर आगे चलती रही। जब वे लौटी तो उनकी मौत हो गई लेकिन मरने से पहले वो देश का झंडे को लगातार पकड़े रही। नंबर 8, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को कुलपति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विषय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे। स्वतंत्र भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वे अनेक बार जेल भी गए। नंबर 9, पीर अली खान। वो भारत के शुरुआती विद्रोहियों में से एक थे और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 14 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा दे दी गई। नंबर 10, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी देश की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही वह पहली ऐसी महिला थी जिन्हें अंग्रेज शासन ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक सामाजिक सुधारक के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प थिएटर और हैंडलूम को बहुत बढ़ावा दिया। तो ये थे हमारे भारत के कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके बारे में इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। तो इसी के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।